सो हेलो गाइस, हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल भाई? बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्टेड मत फील करिए। सीएमए जून 2024 रिजल्ट्स के बाद आई नो मेनी स्टूडेंट्स आर फीलिंग कि सर क्या हो गया है, रिजल्ट कैसा गया, शॉकिंग, बिल्कुल शॉकिंग। बट देर आर मेनी स्टूडेंट्स दोज हु हैव स्कोर्ड ऑल इंडिया रैंक, देर आर मेनी स्टूडेंट्स दोज हु कुड सक्सेसफुली क्लियर देयर एग्जामिनेशंस विद एग्जेम्पशंस। तो आइए जरा उनको सुनते हैं कि उन्होंने अपने जर्नी में क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया जिससे उनका ये रिजल्ट आया, एंड लेट्स टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम देम। सो वी हैव विद अस टुडे पारस रेवड़ी, ऑल इंडिया रैंक 29। कांग्रेचुलेशंस पारस, कांग्रेचुलेशंस बेटा, कांग्रेचुलेशंस, यू हैव मेड ऑल ऑफ अस प्राउड। आपने हम सब का नाम रोशन किया है, आपने अपने पेरेंट्स का नाम रोशन किया है। यू हैव डन अ ग्रेट ग्रेट इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। मतलब मन प्रसन्न हो गया आपसे बात करके। ऑल इंडिया रैंक 29 भाई, सीएमए इंटरमीडिएट में, वो भी ऐसे रिजल्ट सिचुएशन में जहां पे मेजॉरिटी स्टूडेंट्स पास नहीं कर पाए, इतना खराब रिजल्ट रहा, उसके बाद आपने इस सिचुएशन में भी, ऐसे रिजल्ट में भी आप ऑल इंडिया रैंक 29 लाए। कांग्रेचुलेशंस, कैसा लग रहा है? इट्स योर डे, प्लीज स्पीक अप। बहुत अच्छा लग रहा सर, एक तो आपसे बात करके और पेरेंट्स वगैरह सारे प्राउड हैं। थैंक यू। तो अभी कैसा फीलिंग हो रहा है बताइए, नॉर्मल हो गए कि अभी भी अंदर गूज़बम्स है? अभी नॉर्मल हो चुका हूँ वन डे के बाद। अभी नॉर्मल हो चुके हैं, कल और नॉर्मल हो जाएंगे, परसों भूल जाएंगे। ऐसा मत करना दोस्त, ऐसा मत करना। ये अचीवमेंट जो है, ये आपने 100% परमानेंटली आपके, ये होता ना कि जन्म पत्री में चला गया है, ठीक है, जो चेंज नहीं हो सकता, और दिस इज समथिंग सिग्निफिकेंट अचीवमेंट यू हैव मेड गाइस। मतलब क्या बोलूं मैं आपको, एंड अगर आप इंटरमीडिएट में ऑल इंडिया रैंक लाए हो तो प्लीज कंटिन्यू द लेगेसी इन फाइनल आल्सो, ठीक है? तो फाइनल जैसे हमने कल आपके साथ फोन पर डिस्कस किया था, आपको दोनों ग्रुप देना है साथ में, ठीक है ना? यू हैव टू गिव बोथ द ग्रुप्स टुगेदर, बिकॉज इफ यू आर केपेबल ऑफ अचीविंग ऑल इंडिया रैंक इन इंटरमीडिएट, आई एम श्योर आप फाइनल में भी ऑल इंडिया रैंक लेकर आएंगे, ठीक है? तो बोथ ग्रुप्स देना, जब भी देना, ठीक है? ऐसा मत सोचना कि एक ग्रुप पहले दे देते हैं बर्डन कम हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। आप अगर इंटरमीडिएट में ऐसा मास्टर स्ट्रोक प्ले कर सकते हो तो फाइनल आपके लिए कुछ भी नहीं है, ट्रस्ट मी, ओके? तो चलिए कुछ बेसिक सवाल मैं आपसे करूंगा जो कि नॉर्मली स्टूडेंट्स के माइंड में रहता है, तो प्लीज ऑनेस्टली उसका जवाब दीजिएगा और थोड़ा सा इलैबोरेट वे में, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर एक्चुअली स्टार्टिंग फॉर योर प्रिपेरेशन ऑफ इंटरमीडिएट, बिकॉज वी नो द शिफ्ट फ्रॉम फाउंडेशन टू इंटर इज वेरी डिफरेंट। फाउंडेशन से इंटर का जो लेवल होता है ना, वो बहुत अलग होता है। इंटर से फाइनल क्या है कि स्टैंडर्ड ऑलमोस्ट वैसा ही रहता है, खाली थोड़ा डेप्थ ज्यादा रहता है। बट 8 सब्जेक्ट्स इंटरमीडिएट में पढ़ा, फाइनल में भी 8 सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे आप। फाउंडेशन में 4 पेपर पढ़ा, वो भी एमसीक्यू पैटर्न में पूरा, और इंटरमीडिएट में सडनली 8 पेपर्स, वो भी 8 दिन 8 एग्जाम। ये प्रेशर कैसे सहा आपने? How did you handle this pressure? Be natural. वैसे तो मैंने normally ये pressure लेना नहीं था, मैंने decide किया था 4 paper December 2023 में देना और 4 June 2024 में। December में 10th December को paper था, लेकिन मेरा वो skip हो गया, फिर इसलिए मैंने decide किया अब 8 के 8 papers देते हैं और rank के साथ secure करते हैं। तो मतलब आपका दिसंबर 23 में अटेम्प्ट था जो आप क्लियर नहीं कर पाए बिकॉज आप एग्जाम ही नहीं दिए। हाँ जी, 10th को पेपर था, मैं 11th को देने गया था, डेट की वो। मतलब आप क्या बोल रहे हैं, मतलब ये तो कुदरत का करिश्मा हो गया कि आप दिसंबर 23 में सोचे थे 10th का पेपर, 10th को पेपर हुआ बट आप 11th में सोच के देने गए। यस सर, मतलब भगवान को पहले से ही मन था कि भाई पारस को हमको दिसंबर में पास नहीं कराना है, जून में छप्पर फाड़ के रैंक देना है। मतलब ये तो अलग ही कहानी आपका, हाँ? It's like something very different, unique, जो हमने कभी नहीं सुना। Yes, आप कुछ बोल रहे थे। मैंने ये आपकी फैकल्टी को भी इन्फॉर्म किया था जब मेरा पेपर स्किप हो गया था, उन्होंने रिस्पॉन्स में बताया था आप बाकी 3 पेपर दीजिए प्रैक्टिस के लिए। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, नहीं ठीक है, मतलब आपका दिसंबर में वो एग्जाम टाइमली नहीं देना, आप दिसंबर में एक ही ग्रुप दे रहे थे क्या? हाँ जी, एक ही ग्रुप। बताइए बताइए, मतलब आप दिसंबर में पास हो जाते तो आप जून में एक ग्रुप देते, जून में भी पास हो जाते तो आपका रैंक नहीं आता।
मतलब किसी को भी इंटरव्यू में बोलेगा ना तो वो बहुत हंसेगा, तो तुम ये जरूर कहानी सबको बोलना, ठीक है? बट फ्यूचर में गलती मत करना भाई, फाइनल में जो टाइमली एग्जाम दिया है, डेट दिया है, उसी डेट में पहुंच जाना, ठीक है? डोंट मेक दिस मिस्टेक अगेन। यस पारस, सो पारस आपका मतलब नंबर्स काफी अच्छे हैं सारे, बहुत सारे पेपर्स में, तो यू हैव डन अ डिसेंट जॉब। एंड आई थिंक आपके और आपके ऊपर वाले रैंक्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इन इन द टर्म्स ऑफ मार्क्स। सो जब आपको पता चला कि आपका रैंक आया, तो सबसे पहला फीलिंग क्या था आपके मन में? पहली बात तो रैंक एक्सपेक्टेड नहीं था। जब रिजल्ट आया ना, उसके एक आर तक मैं वेट कर रहा था रैंक शीट आने का। जब ओके रैंक शीट आई, उसमें मैंने नाम अपना देखा तो बहुत मतलब अच्छा फील हुआ, एक्साइटेड। आपके पेरेंट्स क्या बोले ने आपको? वर वेरी प्राउड एंड दे से दैट यू शुड कंटिन्यू दिस इन फ्यूचर आल्सो। ग्रेट, यही एक्सपेक्टेड था कि फ्यूचर में भी कंटिन्यू करना है। अभी जो आपने रैंक लाया, बस उसी से एक होता है ना कि अपने आपको सैटिस्फाइड मत कर लेना, फ्यूचर में भी आपको फाइनल में रैंक लाना है। ग्रेट, तो पारस आप अपना कुछ स्टडी मेथोडोलॉजी बताइए कि व्हेन इट केम टू यू नो कंप्लीटिंग द क्लासेस, तो आपकी क्लासेस आपने कब तक कंप्लीट कर ली थी? आप बोल रहे दिसंबर में आपका एक ग्रुप का प्रिपरेशन हो गया था, जून के लिए आप दूसरे ग्रुप के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, तो आपने कब तक अपनी क्लासेस कंप्लीट कर ली थी जून एग्जाम्स के पहले? मैंने दिसंबर की तो प्रिपेयर पहले से ही कर रखी थी, वन ग्रुप की। सेकंड ग्रुप की करेक्ट, मेरी फरवरी एंड तक प्रिपेयर हो गई थी। ग्रेट। मैं सबसे यही सुन रहा हूँ, नॉर्मली आप 3 मंथ्स मतलब आपने रिविजन के लिए अपना रखा कि आप 3 मंथ्स कंप्लीट रिवाइज करेंगे, और ग्रुप 2 जो है आपका इंटरमीडिएट का, वो आपने फेब्रवरी तक सारी क्लासेस फिनिश कर ली थी। ग्रेट, तो 3 मंथ्स का जो रिविजन आपने कैसे यूटिलाइज किया? 3 मंथ में सर, सबसे पहले तो मैंने पास्ट एग्जाम क्वेश्चन पेपर्स देखे, किस टाइप के एक क्वेश्चंस आते हैं पेपर्स में, तो उस हिसाब से मैंने अपना प्रिपेयर किया। मैंने नॉर्मली से बताऊं, मैंने कोई भी मैराथन नहीं देखा, एमटीपी आरटीपी कुछ भी सॉल्व वगैरह नहीं किया। नॉर्मली क्लासेस करी और रिवीजन 3 to 4 times करी बस। वेरी गुड, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज किया ना आपने। आपने बोला ना आपने रिवीजन 3 से 4 बार किया, मतलब नॉर्मली कोई स्टूडेंट 2 बार से भी ज्यादा रिवीजन नहीं कर पाता है, मैक्सिमम कोई तो कर ही नहीं पाता है, मैक्सिमम करता है तो 1 या 2 से ज्यादा नहीं कर पाता। आप 3 से 4 बार रिवीजन किए, मतलब आपके दिमाग में सारे चैप्टर सारे पोर्शंस कुछ इस तरह से छप गए थे कि भाई तुमको सब कुछ आता है। अच्छा, कोई सेलेक्टिव स्टडी आपने किया, मतलब कुछ चैप्टर्स था जो छोड़ दिया, कुछ पोर्शंस था जो छोड़ दिया नहीं किया, ऐसा कुछ किया आपने? मैंने जैसे पास्ट एग्जाम पेपर्स में देखा था कि थ्योरी के बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं, किस तो मैंने सब्जेक्ट में? डीटी की थ्योरी ओके, डीटी की थ्योरी। को मैंने रिड्यूस कर दिया। सिंपल मैंने आधे टॉपिक्स रजिस्ट्रेशन वगैरह छोड़ दिए, लेकिन आईडीटी की थ्योरी आती है, जीएसटी के बेसिक्स वगैरह, वो मैंने कर लिया। वो ओके, प्रोटीन नंबर्स के आए हुए थे। इस बार टैक्स का पेपर इजी भी आया था इंटरमीडिएट में, बट पता नहीं क्यों ग्रुप 1 का रिजल्ट ओवरऑल इस बार अच्छा नहीं रहा। आपका टैक्स में 66 आया गैस, राइट? यस तो कैसा गया था आपका टैक्स का पेपर सर, टैक्स ओवरऑल? का पेपर सर देने के बाद तो डर लग रहा था, जैसे इसमें अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, 40 to 50 आएंगे, बट क्यों ऐसा एक्सपेक्टेशन क्यों से ज्यादा। ऐसा क्यों? टैक्स का पेपर तो इजी आया था। पेपर इजी आया था, लेकिन मेरे को ना एमसीक्यू दो चार नहीं आते थे, ओके, तो फिर स्टूडेंट से तो मैंने आपको पूछा लग तो रहा उन था कि सब ने आपने जो रोक अटेम्प्ट लगाया। किया हो सकता है वो रॉन्ग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ऐसा आपको मतलब डाउटफुल था आपका माइंड, बट हाँ जी मार्क्स देख के सर, तो ऐसा नहीं लग रहा। मार्क्स तो आपका 66 आया है, दैट्स अ वेरी गुड मार्क्स। एंड अभी हम लोग ने हाईएस्ट हमारे एंड से अभी तक टैक्स में 78 एक स्टूडेंट ने स्कोर किया है, उसके बाद 75 फिर 70, उनका भी हम इंटरव्यूज लेंगे कि भाई टैक्स में उन्होंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्या किया। बट फिलहाल आपके ऊपर आते हैं, तो आपने बताया कि आप रिवीजन 4 बार किए, बट आपने पास्ट टर्म पेपर्स एज सच सॉल्व नहीं किया, मॉक टेस्ट पेपर्स आपने सॉल्व नहीं किया, आपने नहीं किया क्योंकि आप ऑलरेडी ग्रुप 1 जो है दिसंबर 23 के लिए अटेम्प्ट करके बैठे थे। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि व्हाट वाज योर स्ट्रेटेजी व्हेन यू वर डूइंग एनी क्लासेस? जब आप कोई क्लास करते थे तो आपकी स्ट्रेटेजी कैसी होती थी? आप खाली क्लास देखते थे, खत्म कर देते थे, फिर दूसरा क्लास तीसरा क्लास एंड दैट्स इट, और इसके बीच आप अपना कुछ सेल्फ एफर्ट देते थे? सबसे पहले तो मैं वन सब्जेक्ट एट ए टाइम करता था, मतलब पहले एक एक सब्जेक्ट की क्लासेस पूरी कंप्लीट कर लो,
जैसे अब मैं क्लासेस के साथ साथ नोट्स बनाता था, प्रिपेयर करता था, और नाइट को वो एक मिनट, आपका वॉइस क्रैक हो गया. विल जस्ट वेट गाइस, विल जस्ट वेट. आप कुछ बोल रहे थे, प्लीज कंटिन्यू. मैंने वन सब्जेक्ट एट ए टाइम प्रैक्टिस किया था, और मैं क्लासेस के दौरान नोट्स प्रिपेयर करता था, वो नाइट में मैं रिवाइज करके सोता था। तो आप एक सब्जेक्ट एक बार में करते थे, उसका नोट्स प्रिपेयर करते थे और रात में उसको रिवाइज करके सोते थे. मतलब आपकी जो सीक्वेंसिंग थी वो मुझे बहुत अच्छी लगी, कि आप जो भी करते थे बहुत एट अ टाइम स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो करते थे. मतलब ऐसा नहीं है कि बस क्लास पे क्लास किए जा रहा और उसको रिवाइज नहीं कर रहा है, ये आप नहीं की, राइट? सो दिस इज अ वेरी सिग्निफिकेंट पॉइंट जो हमें पारस के बात से लगा, कि नॉर्मली जब स्टूडेंट क्लासेस करते हैं ना, वो इतना ज्यादा बिजी हो जाते हैं क्लासेस को कंप्लीट करने का, उनको एक टास्क लगता है कि क्लासेस जो हम कंप्लीट करो एक टास्क है, बस जैसे कि हम रोज खाना खा रहे हैं वैसे रोज क्लास करो. बट वी डोंट अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ द रीजन बिहाइंड डूइंग द क्लासेस, कि जब वो क्लासेस कर रहे हैं हम उस समय उसको रिवाइज भी करें, सो दैट हमें उस समय रिवाइज किया हुआ जो बात हमें याद रहेगा वो डेफिनेटली हमें, जो पारस ने कहा 3 महीना उन्होंने रखा, उस 3 महीना में उन्होंने और अपने रिविजन्स को पॉलिश की, एंड डेफिनेटली वो रिजल्ट आपके सामने है गाइस. ये इंटरव्यू लेने का पर्पस ये है गाइस, कि आपको समझ में आए कि हम जो बात करते हैं, हम जो नॉर्मली स्टूडेंट्स को एडवाइस करते हैं नॉर्मल डेज में, हम जो भी बोलते हैं वो स्टूडेंट्स कर रहे हैं और उनको ये रिजल्ट मिल रहा है. तो अगर उन्हें मिल रहा है तो आपको क्यों नहीं मिल सकता. सो थैंक यू पारस फॉर दिस वंडरफुल पॉइंट विच यू हैव मेड इट आउट. अब मुझे एक बात बताओ, कि आप रिविजन जब करते, मतलब जब आप क्लासेस कंप्लीट करते थे, तो आपने आपने बोला कि हम एक सब्जेक्ट का क्लास कंप्लीट किया, फिर हम दूसरा तीसरा, ऐसे करके आप करते थे? मतलब आप यस दो ट्यूशन साथ में ले लेते थे, ऐसा क्या? सर, मैं एक ही सब्जेक्ट बार बार, फिर इधर से उधर मेरे को दिक्कत होती थी, वन सब्जेक्ट एट अ टाइम निकलता था। मतलब आपको शिफ्ट करने में इश्यू होती थी, बट वन वन सब्जेक्ट करके आप उसको करते थे, ठीक है. अच्छा मुझे बताओ, 15 वो 20 डेज में मुझे बताओ, एग्जाम के एक दिन पहले आप क्या सोचते थे? मतलब कल एग्जाम है, अब आप आज का दिन को यूज कैसे करते थे? सबसे मैं मार्क्स मार्क कर देता था बुक्स पे ऑरेंज पेन से, जो जो रिवाइज करने लास्ट डे पे, मॉर्निंग में रिवाइज करके वाओ, जाता था, बोलिए बोलिए. और पेपर से डरता नहीं था, चाहे जैसा मर्जी आए, एक बार बस पढ़ना है। मैं रीडिंग टाइम में जैसे एमसीक्यू सारे सॉल्व भी कर देता था, और 2 to 3 क्वेश्चन रीड भी कर लेता था मतलब रीडिंग टाइम दिक्कत। में तुम एमसीक्यू भी पढ़ लिया, एमसीक्यू का आंसर भी सोच लिया, और जो सब्जेक्टिव पार्ट है उसका 2 से 3 क्वेश्चन भी रीड कर लिया. मतलब तुम्हारा, अगर हम देखें, एमसीक्यू 30 नंबर का है, अज्यूम करें कि तुमको 3 से 4 एमसीक्यू बस मैक्सिमम नहीं आता है, तुमको 25 नंबर का एमसीक्यू अगर आता भी है, तो 25 नंबर तो तुम पहला 15 मिनट में स्कोर कर लिया रीडिंग हाँ टाइम जी, में. फिर टेंशन नहीं होती थी ना। टेंशन नहीं होती थी, मतलब आपकी स्ट्रैटेजी बड़ी एक होती है ना, एकदम देसी स्ट्रैटेजी है कि भैया जो इजी वाला पार्ट है उसको कवर पहले कर लो, और जो हम लोग हमेशा बोलते थे 40-60 रूल, कि पहला 40 नंबर जो है 1 घंटे में निकाल लो कैसे भी करके, तो आप अपना पासिंग तो सिक्योर कर लेते थे, फिर उसके बाद आप मूव करते थे टुवर्ड्स योर रैंक. वेरी गुड. अच्छा एमसीक्यूज आपको कैसा लगता था? सारे सब्जेक्ट्स में आपका एमसीक्यू डिसेंट था? एमसीक्यू इजी थे सर, 2 4 नहीं आते थे, वो जिससे भी पूछते थे ना सारे गलत ही बताते थे, इसलिए अपने आप ही अच्छा करो। तो बेसिकली आप बोलना चाह रहे हैं आपका अक्रॉस ऑल दी सब्जेक्ट्स एमसीक्यूज वर ओके, आप एमसीक्यू पार्ट अच्छा से सर करके गए थे. दैट्स गुड. मतलब एमसीक्यू में आपका मार्क्स अच्छा है, जिसके वजह से डेफिनेटली आपका ओवरऑल पेपर अच्छा गया. वेरी गुड. अच्छा व्हेन इट कम्स टू कंप्लीशन ऑफ पेपर, क्या आपका सारा पेपर टाइमली कंप्लीट हो जाता था? मेरा 15 to 20 minutes बिफोर ही कंप्लीट हो जाता था, फिर मैं ओके घर जाके 15. नेक्स्ट के प्रिपेयर कर लेता था। तो आप जल्दी पेपर खत्म कर लेते थे, आई थिंक इसका भी रीजन है कि वो आप एमसीक्यू पोर्शन में टाइम सेव कर लेते थे. क्या आप एमसीक्यूज में रीजनिंग लिखे थे? नो सर, ओनली आंसर आंसर। ओनली आंसर लिखा, रीजनिंग आपने नहीं लिखा. चलो ये भी सही है, ये भी आपने कर लिया, ये भी आपने बोल दिया. आपको क्या लगता है कि इस पूरे सीएमए जर्नी में
कभी भी ऐसा सिचुएशन आया आपके सामने जब आपको थोड़ा सा लो लगा, कि आप हमेशा एकदम खुशी खुशी, हमेशा एकदम हैप्पी रहते थे, हैप्पी स्टूडेंट थे आप, कभी भी लो फील आया आपके पूरे सीएमए जर्नी में इंटरमीडिएट का? ऐसा लो तो नहीं आया, लेकिन जब कंसिस्टेंसी फॉलो करता है ना स्टूडेंट, तो फिर उसका माइंड थोड़ा सा इनएक्टिव हो जाता है, फिर फ्रेश अप होना होता है। तो आप क्या करते थे फ्रेश फ्रेशन अप होने के लिए? मेरे को तो सर ड्राइव पसंद है, मैं कार पे चक्कर चुक्कर मारा था। तो आप कार ड्राइव करते थे जब आप थोड़े से फ्रस्ट्रेट हो जाते थे? आई होप और कुछ नहीं यस करते होंगे, आप सेफली कार ड्राइव करते थे। यस ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो इस पूरे आटो पेपर में सबसे फेवरेट पेपर क्या था आपका? सबसे फेवरेट पेपर मेरा गया था OMSM, पेपर 9 गया था सर। ग्रेट, आपका OMSM पेपर सबसे अच्छा गया था। आई होप मार्क्स भी आपका उतना ही अच्छा आया हो उसमें। बस कोई बात नहीं, बहुत अच्छी लगी आपसे बात करके। और आपको कुछ कहना है पारस, कुछ भी शेयर करना है स्टूडेंट्स के साथ? आप कुछ उनको, आपके जो फ्रेंड्स हैं जो इस बार क्लियर नहीं कर पाए, या फिर आपके जो जूनियर्स हैं जो कमिंग टर्म्स में एग्जाम देंगे, उनके लिए आपके लिए कुछ एडवाइस है? मैं इससे कहना चाहूंगा, इट्स नेवर अ फेलियर, इधर एक्सपीरियंस और अ सक्सेस। तो मैं उनको कहूंगा, सबसे पहले हमारे को कंसेप्ट क्लैरिटी पे फोकस करना चाहिए, और कंसिस्टेंसी और पॉजिटिव रहना चाहिए। कंसेप्ट क्लैरिटी, कंसिस्टेंसी और स्टे पॉजिटिव। यस सर। बट अभी ना इस समय स्टूडेंट्स जो फेल हो चुके हैं, मतलब फेल मैं नहीं बोलूंगा उनको, जो पास नहीं हो पाए हैं वो नेक्स्ट अटेम्प्ट में पास होंगे, उनको ना अभी भी लगता है कि सर मेरे को, मेरी चेकिंग पेपर ठीक से नहीं हुई, यू नो समथिंग रॉन्ग हैपेंड विथ मी, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा फील तो होता है जैसे स्टूडेंट फेल होता है, तो फिर लीव करने का मन तो करता है, बट 4-5 दिन बाद माइंड फ्रेशन अप हो जाता है ना, फिर दोबारा कंटिन्यू कर देते हैं। तो आप ये बोल रहे हैं कि उस समय उसको लगता है लेकिन बाद में उसको फिर नहीं लगता है? सर, माइंड दैट्स ग्रेट। चेंज हो जाता है ना 4-5 डेज में। बाद में फिर वो नॉर्मल हो जाता है और फिर उसके बाद उसको लगता है कि जो भी हुआ अच्छा हुआ, एंड वो नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए पूरा प्रिपेयर कर लेता है। दैट्स गुड। आप अपने इस पूरे जर्नी में किन्हीं को, होता है जनरली जब आपका इंटरव्यू होता है तो आप से पूछा जाता है, तो आपको अच्छा लगता है कि किनको अगर आपको थैंक यू कहना है तो आप कह सकते हैं? क्योंकि इस समय अगर वो ये वीडियो देख रहा होगा तो उन्हें अच्छा लगेगा। शायद आप अपने पेरेंट्स को, अपने फैमिली मेंबर्स को, किनको क्रेडिट देना चाहोगे आप? क्रेडिट तो सबको ही जाता है, मेरे पेरेंट्स फैमिली मेंबर्स को जाता ही है। और मेन, जैसे मैंने आपकी क्लासेस ली हुई थी ना, तो फिर मुझे डाउट्स के सॉल्यूशन इधर प्रोवाइड हो जाते थे, लेकिन बाकी सारे सब्जेक्ट्स की जगह नहीं हो पाते थे। मेरे को ये सबसे बढ़िया बात लगी इधर। थैंक यू सो मच। आपको डाउट्स जो है रिप्लाई कर दिया जाता था, ठीक है? वो यस हम चाहते हैं, हमेशा हम करते हैं, हम ट्राई करते हैं अपने स्टूडेंट्स का डाउट्स जो है जल्द से जल्द जो है उनको रिप्लाई कर सके। ऑल्दो मेरी क्लासेस की जो रहती है बिजी शेड्यूल, उसके बीच में भी मैं ट्राई करता हूँ, मैं कैसे भी करके स्टूडेंट्स का डाउट सॉल्व करूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस अमेजिंग फीडबैक विच वी हैव गिवन टू अस, एंड डेफिनेटली विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट टू कंटिन्यू दिस फॉर द फ्यूचर स्टूडेंट्स ऑल्सो। एंड बहुत अच्छा लगा पारस आपसे बात करके। यू आर अ वेरी कूल, काम एंड सिंपल पर्सन। अपनी सिंप्लिसिटी को हमेशा आगे बरकरार रखिएगा, एंड फाइनल में आपको ये लेगेसी कंटिन्यू रखना है जैसे आपके पेरेंट्स ने भी आपको बोला था। एंड जस्ट डोंट अगेन डू दैट मिस्टेक ऑफ गिविंग एग्जाम ऑन सम डिफरेंट डेट, बिकॉज आपका एग्जामिनेशन नहीं होगा। एंड जस्ट मेंटेन डिसिप्लिन विच यू हैव ऑलवेज डन। एंड बस आपसे ये जो इंटरेक्शन, आई थिंक जो भी स्टूडेंट देखेगा वो डेफिनेटली, अगर एक भी स्टूडेंट को अगर अपने उनका लाइफ अगर चेंज कर सके और इस वीडियो से अगर उनको कुछ बेनिफिट मिलेगा, तो आई थिंक अपना जो डिस्कशन आज किया है, अपने किया है 15-20 मिनट का, वो डेफिनेटली सक्सेसफुल माना जाएगा, ठीक है? तो दैट इज़ वाई वी ऑलवेज ट्राई कि जितने भी हमारे रैंकर्स है उनको एक प्लेटफॉर्म मिले कि वो अपना वॉइस जो है, अपना जो थॉट्स है वो शेयर कर सके। एंड डेफिनेटली बहुत सारे स्टूडेंट जो इस बार स्ट्रगल कर रहे हैं पास होने के लिए, वो आपसे इंस्पिरेशन लेकर डेफिनेटली कुछ चेंजेस ला पाए अपने स्टडी टेक्निक में, एंड डेफिनेटली दे विल डू इट। एंड आई एम श्योर कि आप काफ़ी सारे लोगों के लाइफ्स को इंस्पायर करे हैं ऑलरेडी, एंड
योर जूनियर्स एंड योर कलीग्स, या आपके फ्रेंड्स जो अभी क्लियर नहीं कर पाए, उनका हाथ प्लीज कभी मत छोड़िएगा, उनके साथ रहिएगा, उनको जो है बूस्ट अप देते रहिएगा, बिकॉज आई एम श्योर कि उनका उनको आपकी सबसे रिक्वायरमेंट है अभी सबसे ज्यादा, बिकॉज एक दोस्त जो एक दोस्त ही दोस्त का दर्द समझ सकता है, ठीक है। हम टीचर्स तो एज अ जनरल यू नो आपको हमेशा एक अच्छा पिक्चर देना चाहेंगे और आपको बूस्ट करना चाहेंगे, बट अदर साइड ऑफ द स्टोरी इज नॉट दैट ग्रेट जब कोई स्टूडेंट स्ट्रगल कर रहा है पास होने के लिए। तो थैंक यू सो मच पारस फॉर कमिंग एंड गिविंग योर प्रेशियस टाइम विद अस। आई एम श्योर दैट आप अपने फाइनल्स में भी अच्छे से अच्छे यू नो मार्क्स से आप क्लियर करेंगे व्हेन यू विल गिव बोथ द ग्रुप्स। प्लीज प्लान अच्छे से करना एंड जो भी प्लान करना उसी को फॉलो करना, उसी में स्टिक रहना, एंड डू लेट अस नो इफ यू हैव एनी क्वेरीज विद दैट रिगार्ड, वी विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू वंस यू स्टार्ट प्लानिंग। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, ठीक है, बाय बाय, और मिलते हैं आप लोग आपसे बहुत जल्दी। अगर आप कलकत्ता होगे तो जरूर हमारे सेंटर में विजिट करना, और अगर मैं आप कहाँ रहते हो, शायद आप छत्तीसगढ़ में रहते हो, राइट, हाँ हरियाणा में रहते हो, अगर आप, मैं हरियाणा होऊंगा तो मैं डेफिनेटली आपसे मुलाकात करूंगा, ठीक है ना। स्टे इन टच, स्टे ब्लेस्ड एंड ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, थैंक यू।